नमस्कार दोस्तों, एग्जाम अड्डा 3.0 में आपका स्वागत है। रेलवे तरफ से आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं तिथि पे। तो सीएन नंबर 3/2019 का जो पोस्ट है, आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का जो पोस्ट है, एग्जाम डेट फ्रेंड्स होगा 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच हो जाएगा एग्जाम CBT 1। और सेकेंड जो वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर पोस्ट जो एनटीपीसी के नाम से विख्यात है, इसमें सबसे ज़्यादा सीट है और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन भी आया हुआ है। इसका फ्रेंड्स एग्जाम डेट है 28 दिसंबर से इंड मार्च 2021 तक ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तीसरा जो लेवल 1 का पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनेंस पॉइंट्स मैन एंड वेरियस पोस्ट का, इसका फ्रेंड्स जो एग्जाम डेट निकल कर आ रहा है अप्रैल 2021 टू जून 2020, अर्थात अप्रैल से जून के बीच में ये CBT 1 इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब एनटीपीसी के जो पोस्ट है इसको देख लेते हैं। 10+2 के जो वैकेंसी है वह है कनिष्ठ लिपिक सहटंकक, लेखा लिपि सहटंकक, कनिष्ठ समयपाल और ट्रेन लिपिक, बड़ी सर्टिफिकेट, ये सब पोस्ट है दोस्तों। इसका आप वेतन भी आप देख सकते हैं, ये इसका जो वैकेंसी है 10,628 है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तब देख लीजिए ग्रेजुएशन स्तर पर जो पोस्ट है उसको देख लेते हैं फ्रेंड। जो ग्रेजुएशन स्तर पर है या स्नातक स्तर के समांतर जो पोस्ट है, ये सब है यातायात सहायक, गुड्स गार्ड, बड़ी सर टिकट लिपिक, वरिष्ठ लिपिक सर टंगा, कनिष्ठ लेखा सहायक और स्टेशन, ये सब फ्रेंड्स जो है इसका भी आप यहाँ पर प्रारंभिक वेतन देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स जो है पोस्ट, इसमें कुल पोस्ट है 24,649 फ्रेंड्स। ये दोनों पोस्ट मिलाकर अच्छा खासा वैकेंसी हो जाता है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं CBT 1 जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय कितना रहेगा। तो जो प्रथम चरण का CBT 1 एग्जाम होने वाले हैं तुरंत 28 दिसंबर से फ्रेंड्स, इसमें जो एग्जाम होगा ये 90 मिनट इसमें समय दिया जाएगा और इसमें जो क्या प्रश्न पूछे जाएंगे 90 मिनट समय दिया जाएगा और इसमें समान जागरूकता से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और समान बुद्धि और तर्कशास्त्र से प्रश्न, जिसको रीजनिंग है, इसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगा और इसमें जो पीएच वर्ग आते हैं, जो विकलांग है, उन लोगों के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसमें जान लीजिएगा तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो फ्रेंड्स ये हो गया, और इसके बाद हम देख लेते हैं कौन इसमें क्वेश्चन, सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सिलेबस फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स CBT 1 का जो सिलेबस है इसमें गणित जो है, गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये पहला जो अंग प्रणाली, बोडमास, दशमलव भिन्न, फ्रैक्शन जो आता है, LCM, HCF, अनुपात एवं अनुपात, परसेंटेज, क्षेत्रमिति, अर्थात ये अर्थमेटिक के जितने टॉपिक है फ्रेंड्स लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे जो सांख्यिकी जो है इसे भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ज्यामिति है, समान बीज है, लाभानी प्रोफाइल सब फ्रेंड्स आ जाता है। ठीक है, तब फ्रेंड्स देख लेते हैं समान बुद्धि तर्कशास्त्री, जो रीजनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, अनुपता, वर्णनुकरण, संख्या, श्रृंखला, कोडिंग, ये फ्रेंड्स आप लोग जानते भी हो। ठीक है, तो ये हो गया रीजनिंग का फ्रेंड्स। इसके बाद आप लोग देख लीजिए समान जागरूकता से क्वेश्चन, ये भी पूछे जाएंगे। इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्णना, वर्तमान घटनाएं अर्थात करंट अफेयर, जिसको खेल और खेलना भी हो जाएगा, भारत की कला संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आप जूम करके भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मेन टॉपिक भी बता देंगे फ्रेंड्स, तो कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप CBT 1 एग्जाम निकलना चाहते हैं, इसलिए आप रिविजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।